हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही आसान से सवाल के बारे में, जो अक्सर हम सबके मन में आता है। और जब हम कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं, तब तो ये सवाल कई बार हमारे काम ना करने का बहाना भी बन जाता है। क्या है ये सवाल? कहाँ से शुरू करें? जी, यही वो सवाल है कि शुरू कहाँ से करें। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी हो, या कोई और काम, हम लोग अपने समय का बड़ा हिस्सा इसी में बिता देते हैं कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। मेरे पास इसका एक शब्द का छोटा सा जवाब है, सोच। जी हाँ, आप अपनी सोच से शुरुआत करें। आप अपने दिमाग में उस पूरे इवेंट को, उस काम को इमेजिन करिए कि आप वो कर रहे हैं या कर चुके हैं। आप देखिए, ऐसा सोचकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप खुद को उस काम को करते हुए अगर ऐसे इमेजिन करेंगे, देखेंगे क्या आपके दिमाग के कुछ छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, क्या थोड़ी हिम्मत आ रही है। अगर हाँ हिम्मत आ रही है तो सोचते रहिए, आप देखेंगे आपका दिमाग ही आपका मार्गदर्शन करेगा। हम अक्सर डरते हैं शुरू करने से, क्योंकि हम एक ही पल में उस पूरे काम को सोचते हैं। आप एक पल में बस वो फर्स्ट स्टेप सोचिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे। अगर एग्ज़ाम है तो पढ़ेंगे, तो बुक्स लेके बैठना शुरू करिए। कोई एक बुक उठाइए और पढ़ते रहिए। एक बार में मत सोचिए इतना बड़ा सिलेबस कैसे ख़त्म हो पाएगा। आप बस पहला स्टेप करिए, कोई भी एक बुक लेके पहला चैप्टर पढ़िए और बस उस काम में खुद को बनाए रखिए। धीरे धीरे आगे का रास्ता आपको खुद मिल जाएगा कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, कैसे होगा। शुरुआत हमेशा अपनी सोच से करिए, क्योंकि जब कोहरा छाया हो तब हमें भले ही आगे का रास्ता ना दिखाई दे, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से, पर हम एक एक कदम लेके चलना शुरू कर दें अगर, तो आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। धन्यवाद।